मकसूद पर पहुँचते हैं। तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा तालबात ने मुकाबलों के इनकाद को खुशाइन करार देते हुए कहा कि हर चार माह बाद इस किस्म के मुकाबलों का इनकाद होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा है बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है और ये होने चाहिए, कम से कम एटलीस्ट चार महीने बाद तो ज़रूर ये होना चाहिए कंपटीशन। तालीमी बोर्ड की इंतजामिया का कहना है कि तलबा में मुसलसल पढ़ने से यकसानियत और बेजारी पैदा होती है। तालीमी मैदान में मुकाबलों का रुझान तलबा और तालबात में हौसला और एतमाद पैदा करता है। इन तकारीब का यही मकसद है कि बच्चों की सलाहियतों को हम परवान चढ़ाएँ, वो सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने इनमें रखी हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि बच्चे मुसलसल पढ़ने से बेजार हो जाते हैं, तो उनको उनमें थोड़ी सी जान डालने के लिए, उनमें थोड़ा सा जज्बा पैदा करने के लिए मुकाबले होने ज़रूरी हैं। तालीमी बोर्ड हैदराबाद के तहत एक हफ्ते तक जारी रहने वाले मुख्तलिफ मुकाबलों में स्कूलों के माबेन हुस्न किरत, नातख्वानी और मिल्ली नगमे, जबकि कॉलेजेस के तलबा और तालबात के माबेन मुख्तलिफ मौजूआत पर तकरीरी मुकाबले हुए। इख्तितामी तकरीब में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालबात में इनामात और असनाद तकसीम की गईं। हमीदुर रहमान, आज न्यूज़, हैदराबाद।